समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। इसीलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, समस्याओं का साइज छोटा हो जाएगा। इसी विचार के साथ मैं सभी साथी सहयोगियों, माता पिता, अभिभावकन और प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके सामने कक्षा 10 के इतिहास में से पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 1 लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, जो हम आज तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। 1848 में, जैसे कि हमारे लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के द्वारा 4 चित्रों की श्रृंखला को दर्शाया गया है। इसमें एक नहीं, 4 चित्र हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग जो हम देख रहे हैं, ये यूरोप और अमेरिका के हैं। सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्गों के, सभी स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। और स्वतंत्रता की प्रतिमा, ये इसकी वंदना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की देवी मानी जा रही है, उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, अर्थात जिससे ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसी मशाल है, और दूसरे हाथों में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। नीचे देखिए, यहाँ पर ये सब निरंकुशवाद संस्थाओं के ध्वस्त होने के अवशेष हैं। निरंकुशवाद का खात्मा हो चुका है। असल में ये पिक्चर जो यहाँ पर कलाकार हैं हमारे, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो, उनका एक यूटोपिया है। कैसा यूटोपिया? यूरोप में राष्ट्रवाद आ चुका है और जो लोग हैं उन्हें उनका सम्मान मिल रहा है। निरंकुशवाद का अंत हो चुका है। ये तस्वीर उस कल्पना दर्श का एक अंश है। सबसे पहले इस प्रतिमा के आगे जो हम झंडा देख रहे हैं, ये फ्रांस का है। फ्रांसीसी क्रांति, पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो अपना झंडा चुना था, नीसला, नीला, सफेद और लाल, ये मैंने बच्चों को याद कराने के लिए छोटी सी टेक्निक बताई थी कि ये लोग जो सबसे आगे हैं वो फ्रांस के लोग, अपना नीसला झंडा, नीला, सफेद और लाल झंडा लिए खड़े हैं। और इनसे भी आगे जो कुछ लोग हैं वो है अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग। हम इन झंडों से इन लोगों को पहचान सकते हैं, इनकी पोशाकों से इन लोगों को पहचान सकते हैं। फ्रांस के झंडे के बाद, अर्थात फ्रांस के लोगों के बाद, यहाँ पर जर्मनी के जिनका झंडा काला, लाल और सुनहरा है। हालांकि जर्मनी में भी राष्ट्रवाद नहीं आया था, क्योंकि चित्र 1848 में है, लेकिन ये कामनाएं की गई थी और वहां के लोग अपने राष्ट्रवाद के लिए, एकीकरण के लिए प्रयासरत भी थे। जर्मनी के बाद, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसली राजशाही, फिर पोलैंड, लामबार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और ऐसे करते करते रूस के लोग शामिल हैं। ऊपर ईसा मसीह, संत, फरिश्ते अपनी नजरें इस दृश्य के ऊपर जमाए हुए हैं, क्योंकि वे सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि कम से कम सभी लोगों को अपनी अभिव्यक्ति और कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार मिला। असल में ये चित्र जो है दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अब इसको थोड़ा वर्णन कर लेते हैं, इसका वर्णन कर लेते हैं। ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का यूटोपिया है। यूटोपिया अर्थात कल्पना दर्श। कल्पना दर्श क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो बहुत ही आदर्श है, राम राज्य जैसा है, लेकिन इसका साकार होना लगभग लगभग असंभव लगता है। ये 4 चित्रों की श्रृंखला है, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। स्वतंत्रता की देवी या महिला के रूप में से दिखाया गया है। हाथ में एक मशाल,
दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। जो लोग जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं उनमें संयुक्त राज्य स्विट्जरलैंड के लोग हैं, फ्रांस के लोग अपने झंडे के साथ, जर्मनी के लोग, ऑस्ट्रिया, दो सिसलिया, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और रूस तक के लोग हैं। ऊपर ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका प्रयोग दुनिया में राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है कि कैसे राष्ट्रवाद आ चुका है और सभी राष्ट्रों के बीच में भाईचारा। बढ़ते हैं आगे, कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है राष्ट्रवाद। किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में, किसी भी देश के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा, एक देश के अंदर सभी लोगों को ऐसी विचारधारा जो आपस में बांध देती है कि ये भूमि हमारी है, ये राष्ट्र हमारा है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे हम सब लोग जो भारत में रहने वाले हैं, हमारे बीच साझा पहचान का बढ़ावा देने वाली विचारधारा ये है कि हम भारतीय हैं, हम भारत की भूमि पर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कल्पना दर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो बहुत बड़ा आदर्श है, बिल्कुल राम राज्य जैसा समाज है परंतु साकार होना असंभव लगता है। फिर निरंकुशवाद, एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा राज्य जिसकी ऊपर कोई अंकुश नहीं, राजा और सत्ता पूर्ण रूप से तानाशाही है। प्यारे बच्चों, इस लेसन के अंदर हम फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूनान और ऑटोमन साम्राज्य के एकीकरण की बात करेंगे। बहुत सारे हम राष्ट्रों के एकीकरण की बात करेंगे, लेकिन तब हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर हम इन सबको एक साथ करें। तो मैंने इस टॉपिक को, इस लेसन को सरल बनाने के लिए आज फ्रांस देश को लिया है और फिर हम अगले भागों में अगले अगले हिस्से की बात करेंगे। और ये पूरे यूरोप के अंदर, यहाँ पर ये फ्रांस है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके अड़ोस पड़ोस के देश देखिए, ऊपर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन, ये सभी एक। फिर इधर देखिए नीदरलैंड है व्हाइट कलर का, उससे ऊपर यहाँ प्रशा, फिर यहाँ पर स्विट्जरलैंड, इधर देखिए थोड़ा यहाँ आएंगे तो आप लघु राज्य, दो सिसली राज्य, आज यहाँ पर ये जो सारी चीज है ये सारी की सारी इटली है। और ये इधर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य देखिए कितना बड़ा, और इसमें ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है, ये जब हम बाल्कन प्रदेशों के तनाव को पढ़ेंगे तभी हम रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे, ये रूसी समाज था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र का विचार, राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस के अंदर 1789 में होती है, जो हमने पिछले साल इतिहास के पहले ही लेसन में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति। प्रभु सत्ता जो थी लुई 16वें के हाथों में थी और वो एक राजतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो प्रभु सत्ता लुई 16वें और राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ जाती है और क्रांति ने घोषणा की कि अब राष्ट्र का गठन होगा, फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में उभरेगा और हम ही उसकी नियति तय करेंगे। यहाँ से एक 6 नंबर क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिकता की पहचान बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हम ये 6 पॉइंट इसमें इंक्लूड करेंगे कि लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो एक राष्ट्र के हैं और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। नंबर एक, पितर भूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया। फ्रांस के लोगों को ये बताया गया कि ये आपकी सबकी पितर भूमि है और आप सब इसके नागरिक हैं, इसीलिए आप सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है, नया फ्रांसीसी झंडा तय किया गया ताकि इस झंडे के अनुसार एकता स्थापित हो सके, सभी लोग एक झंडे के तले इकट्ठे हो सके। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय सदस्यों द्वारा होने लगा और इस एस्टेट जनरल का नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये वही एस्टेट जनरल है जहां पर पहले एक एक वोट
तृतीय वर्ग को एक वोट, प्रथम वर्ग को एक वोट, द्वितीय वर्ग को एक वोट दी जाती थी। और जब तृतीय वर्ग पर कर लगा रहे थे तो प्रथम वर्ग की एक वोट और द्वितीय वर्ग की एक वोट मिलकर दो वोट हो जाती थी, और वो बड़ी आसानी से तृतीय वर्ग जिनके पास केवल एक ही वोट थी उस पर अपने मनमाने जो फैसले थे वो थोपते थे। फिर है नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया ताकि लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि उनका इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। एक समान केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई ताकि सबको ये लगे कि वो एक देश और एक राष्ट्र के अंडर काम कर रहे हैं। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जब फ्रांस की घटनाएं हो रही थी तो इसकी खबर दूसरे देशों में पहुंची और जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी। दूसरे देशों में भी इस बात की कल्पना की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी कि उनमें भी फ्रांस की तरह ही राजतंत्र की समाप्ति हो। लेकिन होता क्या है कि 1797 में दोबारा से फ्रांस में नेपोलियन की एंट्री होती है और धीरे धीरे वहां पर राजतंत्र की पुनः स्थापना हो जाती है। 1804 में नेपोलियन पूर्ण रूप से फ्रांस का शासक बन जाता है। लेकिन अब नेपोलियन किसी ऐसे राजतंत्र की स्थापना नहीं करता जैसे लुई 16वें ने की थी शुरू में, नो, वो बल्कि क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश करके अपना शासन चलाता है। एक ऐसा शासन व्यवस्था जो तर्कसंगत है, जो कुशल है। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन संहिता के मुख्य बिंदु। असल में एक कानून व्यवस्था लागू करता है नेपोलियन और इसको नाम दिया जाता है नेपोलियन संहिता। अब ये नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की और इसका अन्य नाम नागरिक संहिता था। जन्म पर आधारित किसी भी व्यक्ति को नैसर्गिक विशेषाधिकार नहीं दिए गए। जन्म पर आधारित किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया। सभी कानून के सामने बराबर थे और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के विभाजनों को सरल बना दिया गया था। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और किसानों को भूदासता से मुक्ति दिलाई। एक समान कानून, एक समान मानक तय किए गए। भार तोल नाप तोल की व्यवस्थाएं एक समान की गई और एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया गया। परंतु राजतंत्र तो राजतंत्र होता है। जैसे ही लोगों के सिर पर चढ़ के बोलने लगा वैसे ही धीरे धीरे लोगों को नेपोलियन नापसंद होने लगा। असल में नेपोलियन जब दूसरे राज्यों पर, दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमाने के लिए जा रहा था तो उसे बहुत बड़ी सेनाओं की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने फ्रांस के गांवों से, फ्रांस के शहरों से जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और ये जबरन भर्ती फ्रांस के लोगों को कतई सहन नहीं थी। इसके अलावा उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों पर बड़े बड़े कर लगा दिए। लोगों को ये भी नागवारा थे। फिर हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसके लिए हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद कुलीन वर्ग के लिए क्या था, मध्य वर्ग के लिए क्या था। फिर हम पढ़ेंगे उदारवाद। देखिए कुलीन वर्ग में कौन आते हैं, जो गांव में जमीन के मालिक होते हैं, बहुत प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, उन्हें हम कुलीन वर्ग कहेंगे। इन जितने भी अब पूरे यूरोप के अंदर जमीनों के मालिक थे, शहरों में हवेलियों के मालिक थे, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और इन सबको एक सादा जीवन शैली में बांधा गया था ताकि एकता स्थापित हो सके और अपने ये रोग को, अपने प्रभुत्व को दूसरों पर थोप सके। राजनीतिक कार्यों के लिए ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और स्वयं को सदैव उच्च दिखाने का प्रयास करते थे। इवन के ये अपने आप की स्थितियों को ऊंचा करने के लिए बड़े बड़े घरानों में ही अपने बच्चों की शादियां करते थे। जनसंख्या के हिसाब से एक छोटा सा समूह था लेकिन इनका प्रभाव अधिक था। फिर हम बात करेंगे मध्य वर्ग की, क्योंकि वैसे तो क्या था कि अगर एक ओर बहुत अमीर जमीनों के मालिक थे, दूसरी ओर बहुत गरीब कृषक वर्ग था। लेकिन इनके बीच में अब एक नया वर्ग आ रहा था जिसे मध्य वर्ग कहा गया। जैसे जैसे उद्योगों का, वाणिज्य का विकास हो रहा था तो मध्य वर्ग का उदय हुआ। कुछ समय बाद इनके विकास के कारण सेवा क्षेत्र के लोग भी इनमें शामिल हुए। नौकरी पेशे वाले लोग,
शिक्षक, वकील, डॉक्टर सब इसमें शामिल होते जा रहे थे। कुलीन वर्ग के जो था वो विशेषाधिकारों की समाप्ति पर बल देता था। कुलीन वर्ग जो था वो विशेषाधिकारों के पक्ष में था, लेकिन जो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग था वो राष्ट्रीय एकता के विचारों पर विश्वास रखता था और विशेषाधिकारों की समाप्ति करना चाहता। फिर हम पढ़ेंगे उदारवाद, यानी लिबरलिज्म शब्द जो है, जिसे उदारवाद को इंग्लिश में हम लिबरलिज्म कहेंगे। लैटिन भाषा में जो शब्द है लिबर, उससे उदारवाद, उससे लिबरलिज्म निकला है। इसका अर्थ है आजादी। जो मध्य वर्ग है वो तो सिर्फ इतना कहता है कि उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष बराबरी, हो गया उदारवाद। लेकिन जो राजनीतिक रूप से लिया जाए तो ऐसी सरकार की स्थापना मानी जाएगी जो सबकी सहमति से बनी हो, निरंकुश शासक और पादरी के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर बल देती हो, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देती हो। यह राजनीतिक रूप से उदारवाद का अर्थ है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या अर्थ होता है? बाजार की मुक्ति, अर्थात वस्तुओं के, पूंजी के आवागमन पर सरकार कोई रोक न लगाए, कोई नियंत्रण न रखे, जैसे मर्जी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए और अपना उनका लेन देन हो, ताकि व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो, सबके पास अधिक से अधिक मौके हो। नेपोलियन ने, हम देखिए अब फिर से वहीं पर चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के द्वारा राज्य की स्थापना, नेपोलियन संहिता का लागू होना और लोगों को उसे नापसंद करना, उसी कड़ी में देखिए कि नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक कदमों से, अपने सुधारों से 39 राज्यों का एक संघ भी बनाया। और इनमें क्या था, 39 राज्यों के एक संघ में पहले सबकी अपनी अपनी मुद्रा और सबका अपना अपना नापतोल था। एक वस्तु जो एक जगह से चलती थी तो अंत में जाते जाते वो दूर तक अलग अलग नापतोल की हो जाती थी, और जितने भी नाकों से गुजरती थी उतनी ही जगह से उन्हें अपना कर या टैक्स शुल्क देना पड़ता था, जिसके कारण वस्तु बहुत महंगी हो जाया करती थी। नापतोल में भी बहुत ज्यादा फर्क था कि अगर एक एल कपड़ा, एल पैमाना होता था, जैसे हमारे यहाँ पर गज होते हैं, मीटर होते हैं, ऐसा एक पैमाना था कपड़े को नापने का। एक एल कपड़ा अगर फ्रैंकफर्ट से खरीदा तो वो 54.7 सेंटीमीटर था, मेज में जाके 55.1, उसके बाद सेंटीमीटर 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये हर स्थान पे बदलता जाता था। लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1834 में प्रशा की पहल पर जोलवे रैन शुल्क संघ की स्थापना की गई। अब इसमें शुल्क अवरोधों को भी समाप्त कर दिया गया और जो लगभग 30 प्रकार की मुद्राएं होती थी उनकी संख्या घटाकर 2 कर दी, मतलब व्यापार के रास्ते में आने वाली अवरोधों को दूर कर दिया गया। हमने बात की थी कि नेपोलियन जो कि विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता था, आगे ही आगे अलग अलग राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमाए जा रहा था, लेकिन ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया ने एक समझौता तैयार कर लिया था नेपोलियन को हराने का, और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है, और उसके बाद 1815 में ही ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया एक समझौता तैयार करते हैं जिसे वियना की संधि कहा जाता है, क्योंकि ये वियना नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। और ये नेपोलियन का अंत, नेपोलियन की हार जो थी वो राजतंत्र और चर्च के उदय के रूप में देखी जाती है, क्योंकि वापस जो है राजतंत्र फ्रांस में आ जाता है। अब इस वियना संधि की मेजबानी जो थी वो ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक ने की थी, ड्यूक राजा को कहते हैं, इसे वियना संधि कहा गया। वियना संधि की कुछ मेन बातें, क्योंकि पेपर में ये भी आता है कि वियना संधि 1815 के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि नेपोलियन का अंत हो गया था तो फ्रांस में फिर से बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया, दोबारा से राजतंत्र। फ्रांस
फ्रांस की सीमाओं पर अलग अलग राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके। उत्तर में नीदरलैंड और दक्षिण में पिडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया और पूर्ण रूप से फ्रांस की सीमाओं को सील कर दिया गया। लेकिन 39 राज्यों का महासंघ जो नेपोलियन ने बनाया था उसे बरकरार रखा गया। ये देखिए, ये फ्रांस का जो सीमा है उसके ऊपर नीदरलैंड स्थापित कर दिया गया ताकि वो अपनी सीमाओं में यहाँ से विस्तार ना कर सके, और इधर सार्डिनिया पिडमार्क जो है इसमें जिनेवा जोड़ दिया गया ताकि इधर से भी फ्रांस या कहीं से भी फ्रांस जो है अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके। अब जैसे ही फ्रांस में रूढ़िवादी शासन बूर्बो वंश की स्थापना होती है तो वो एक निरंकुश थी शासन व्यवस्था थी। सबसे पहला काम उन्होंने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप एक कड़े नियम होते हैं अखबार नाटकों गीतों पर, और ये एक नियंत्रण लगाने का तरीका होता है कि फ्रांस जो कि ताकि लोग जो हैं दोबारा से सरकार का विरोध ना करें। ये सेंसरशिप इसलिए भी लगाए गए ताकि लोग फ्रांसी क्रांति को भूल जाएं, ताकि लोग राजशाही में विश्वास दिखाएं। लेकिन राष्ट्रवादी जो थे, क्योंकि फ्रांसी क्रांति का मजा सब चख चुके थे, तो इसीलिए राष्ट्रवादी लगातार प्रेस की आजादी का मुद्दा उठा रहे थे। 1830 में 1815 में राजशाही आ जाती है, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं टिक पाती, और जुलाई 1830 में उदारवादी क्रांतिकारियों ने राजशाही बूर्बो वंश को फिर से उखाड़ फेंका और संविधानिक राजतंत्र जो था स्थापित किया गया। मतलब राजतंत्र तो अब भी है लेकिन वो राजतंत्र संविधान के तले काम करेगा। इसका अध्यक्ष लुई फिलिप को चुना गया। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका क्या मतलब था कि जब फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति हुई थी तो अन्य देशों में भी क्रांतियां होनी शुरू हो गई थी। अर्थात अगर फ्रांस में छोटी सी क्रांति होती है, वहां के राजवंश को बदल कर वहां पर संविधानिक राजतंत्र की को स्थापित किया जाता है, तो इतने में ही और देशों में भी ऐसी क्रांतियां शुरू हो जाती हैं। फिर है 1848 की क्रांति। स्थितियां बेहद खराब होती जा रही थी। 1830 का दशक यूरोप में बहुत भारी कठिनाइयां लेकर आया था। जनसंख्या असल में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नौकरी पाने वाले बहुत अधिक हो गए थे जबकि रोजगार नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग उठ उठ के शहरों में जा रहे थे। अब ऐसे में शहरों में नगरी जनसंख्या लगातार बढ़ने से वहां पर लोग गरीब बस्तियों में और बेहद बुरी हालतों में रह रहे थे, और यहीं से राजशाही के अंदर या सरकारों के अंदर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। अब बेरोजगारी के कारण, खाने पीने के सामान की कमी के कारण 1848 में, जो कि एक ऐसा वर्ष था कि चारों ओर फिर हाहाकार मचने लगी और लोग सड़कों पर उतर आए, और जिसे खुद लोगों ने फ्रांस का संवैधानिक राजा बनाया था लुई फिलिप, उसे वहां से भागना पड़ा, और राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को मताधिकार दे दिया। अभी भी महिलाओं को नहीं, पुरुषों को, लेकिन सभी वयस्क पुरुषों को, और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके और इस समस्याओं से निपटा जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे 1789 से लेकर और 1848 के बीच में हम नेपोलियन का आना और जाना, और 1815 में फिर से बूर्बो राजवंश की स्थापना, 1830 में संविधानिक राजतंत्र और लुई फिलिप का आना, और 1848 में लुई फिलिप का भाग जाना और राष्ट्रीय सभा के द्वारा गणतंत्र की घोषणा करना, ये सब फ्रांस के अंदर पनप रहे राष्ट्रवाद का प्रतीक थे। और इसके साथ ही हम इस लेसन में से अब फ्रांस के बारे में जितना भी मटेरियल था उसे पढ़ चुके थे। बाकी का हम भाग अगले जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि
अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा तो ये लेसन अब हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।